कोरोना वायरस संक्रमण के बाद देशव्यापी लॉकडाउन से जहां पर गरीबों, मजदूरों, साधु संतों के खाने के टोटे पड़ गए हैं, वहीं सबसे ज़्यादा जो संकट है वो बेजुबान जानवरों पर आया है। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि ये जानवर अपनी पीड़ा भी किसी के सामने बयां नहीं कर सकते। और स्वामी न्यूज़ अपने दर्शकों से अपील करता है कि बढ़ चढ़ कर इन बेजुबान जानवरों की मदद के लिए आगे आए। पुष्कर से दिलीप नागौरा के साथ सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज़। कोरोना वायरस रूपी इस विकराल महामारी से प्राणी मात्र का जीवन संकट में आ गया है। सबसे बड़ा संकट उन बेजुबान जानवरों के लिए है जो अपनी पीड़ा भी बयां नहीं कर सकते। धार्मिक नगरी पुष्कर में रोजाना श्रद्धालुओं के दान पुण्य से अपनी मौज में रहने वाले गायों, कुत्तों और बंदरों और चींटियों के लिए भूखे मरने की नौबत आ गई है। जो गायें गौशाला में हैं उनके चारे की व्यवस्था ही नहीं हो रही है तो सड़कों पर विचरण करने वाली गायों की हालत तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। ब्रह्म पुष्कर गौशाला के संचालक एनिमल केयर सोसाइटी के अध्यक्ष हेमंत रायता ने बताया कि उन्होंने प्रशासन से गायों को चारा खिलाने की अनुमति तो ले ली, लेकिन चारा खरीदने के लिए मदद की दरकार है। रायता ने बताया कि गाय हमारी माता है जो अपने दूध से हमें बड़ा करती है। अभी माँ के जीवन पर संकट आया हुआ है और वह मदद के लिए पुकार रही है। ऐसे में माँ की मदद करना, मात्र ऋण उतारना बहुत आवश्यक हो गया है। गायों के अलावा धार्मिक नगरी में आवारा कुत्तों, धार्मिक स्थलों पर रहने वाले बंदरों, कीड़ीनाल में चींटियों का जीवन भी संकट में आ गया है। ऐसे में सभी लोग आगे आकर बेजुबानों की मदद करें। स्वामी न्यूज़ अपने दर्शकों से अपील करता है कि संकट की घड़ी में मानवता का मूल भाव दिखाते हुए बेजुबानों की मदद करें। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस समय संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। इसी के तहत हमारे भारत देश के अंदर गत 22 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन के आदेश है। इस दौरान समस्त भारत बंद रहेगा, आवश्यक जरूरी सेवाओं को छोड़ के बाकी सारे प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इस दौरान मानवता दिखानी होगी, हमें आगे आना होगा। इंसानों के लिए तो फूड पैकेट वगैरह सब लोग वितरण कर रहे हैं, जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि आगे आ रहे हैं। हम लोगों से अपील करेंगे, जो बेजुबान जीव है, गाय है, कुत्ते हैं व अन्य जो भी जानवर हैं, उनके लिए भी आप आके आए खुल के और इनके चारे पानी की व्यवस्था करवाएं। किस तरीके से आप कैसे इन व्यवस्थाओं को माकूल कर रहे हैं, कैसे आप इकट्ठे करके और बाजार में इन बेजुबानों की मदद करते आ रहे हैं? जी, हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक मैसेज पहुँचा रहे हैं। हम SDM महोदया से हमने सशर्त परमिशन ली थी, इसके लिए हमें शाम को 4 से 6 बजे तक की परमिशन है। इस दौरान हम पुष्कर नगर में जितनी भी लावारिस गायें हैं जो सड़कों पे घूमती है, जिनको चारा वारा उपलब्ध नहीं हो पाता है, उनको हम चारा डालते हैं। और इसके लिए हमारे पास बाकायदा दानदाताओं के फ़ोन आते हैं, उनसे जो एकत्रित होती है राशि उसके अनुसार हम अर्ली मॉर्निंग के करीब 5 से 6 बजे चारा मंगवा लेते हैं। वो चारा हमारी गौशाला के पिकअप में लोड हो जाता है, फिर हम शाम को समय सीमा के अनुसार वो चारा नगर में गायों को खिला के आ जाते हैं।